بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाजरीन आज का सवाल ये है कि क्या नमाज का वक्त खत्म होने से कुछ देर पहले हैज़ बंद हो तो नमाज का क्या हुक्म है चलते हैं इस सवाल के जवाब की जाने इस सवाल का जवाब कुछ यू है कि अगर किसी औरत को दस दिन से कम हैज आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ के नमाज का वक्त इस कदर तंग है कि अगर नहाने में जल्दी करे तो भी सिर्फ तकबीर तहरीमा का वक्त बाकी बचेगा तब भी उस वक्त की नमाज वाजिब हो जाएगी और कजा पढ़नी होगी लेकिन अगर वक्त उससे भी कम हो तो नमाज माफ है उसकी कजा वाजिब नहीं है और अगर पूरे दस दिन और रात है जाया और ऐसे वक़्त खून बंद हुआ कि सिर्फ तकबीर तहरीमा कहकर नियत बांध सकती है नहाने की भी गुंजाइश नहीं तो भी नमाज वाजिब हो जाती है उसकी कजा पढ़ना चाहिए इसी तरह एक और सवाल है सवाल कुछ यूँ है क्या कोई औरत किसी बड़े लड़के को उम्र 20 साल दूध शरीक करके अपना बेटा बना सकती है ये दूध प्याली में गाय के दूध में मिलाकर दिया जाता है मकसद सिर्फ रिश्ते नाते बढ़ाना है चलते हैं इस सवाल के जवाब की जाने इस सवाल का जवाब ये है कि दूध का रिश्ता सिर्फ बच्चे के शीर ख्वारगी के जमाने में दूध पीने से कायम होता है और शीर ख्वारगी का जमाना दो साल है और हजरत इमाम अबू हनीफा की एक रिवायत के मुताबिक ढाई साल है इस मुद्दत के बाद अगर बच्चा भी दूध पिए तो दूध का रिश्ता रजात साबित नहीं होता इसलिए बीस बरस के आदमी को दूध पिलाने से वो बेटा नहीं बनेगा और शीर खार बच्चे के अलावा किसी को औरत का दूध पिलाना भी हराम है अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तोफीक अता फरमाए आमीन नाजरीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजदूर मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें